आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी, वो भी मेरे स्टाइल में, स्पेशल तरीके से। चलो आइए बनाते हैं भरवा भिंडी। सबसे पहले हम अपने मसाले भूनेंगे। ये मैं डालता हूँ होल धनिया 3 टेबल स्पून, ये मैंने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून मेथी, एक टेबल स्पून काली मिर्च, और 1-2 पीस हम डाल देंगे होल चिल्ली के। और 1 टेबल स्पून हम कलौंजी इसमें डाल रहे हैं। इन सबको आपको भून लेना है अच्छे तरीके से। ये मसाले हमारे भून गए, अब हम इसको दरदरा पाउडर बना लेंगे। 250 ग्राम भिंडी लिए, इसको धो लिया है और पोंछ लिया है कपड़े से, और फिर हम इसमें चीरा मार देंगे। ये आपको ऐसे खोल लेनी है। सो हर भिंडी के साथ पीछे से काटना है, इसमें चीरा मारना है और ऐसे इसको खोल लेना है, और फिर हम इसमें जो हमने मसाला बनाया है वो हम भरेंगे, और साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि आगे क्या करना है। सो ये हमने मसाला अपना पीस लिया था, ये आपको ऐसा दरदरा करना है। इसके बाद थोड़े से मसाले और मिलाएंगे इसमें। ये आमचूर पाउडर है, इसमें 1/2 आमचूर पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला डाला है। अब इसको मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर डालेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी चिल्ली मिला के रखी हुई है, तो उसका ध्यान रखिएगा, और स्वाद के अनुसार इसमें सॉल्ट डालेंगे। सो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। आप इसको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मिला लें, कम चाहिए तो कम मिला लें। इसमें ऑलरेडी हमने आमचूर पाउडर चाट मसाला डाला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा सॉल्ट इसमें डाला नहीं है। ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम एक एक भिंडी लेंगे, तो हमने इसमें कट लगा दिया था देखिए ऐसे, और इसके अंदर हम इसको ऐसे भरेंगे। एक एक करके आपको भिंडी ऐसे भरनी है। ऐसे तो सबसे पहले हमने हमारी भिंडी भर ली है, अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून है। अब इसको आप गरम कर लें। ये देखिए ये ऑयल गरम हो गया, जो हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था इसमें। अब आप इसमें ये मैंने सौंफ, कलौंजी और जीरा, ये थोड़ा थोड़ा लिया है तड़का मारने के लिए, ये इसमें ऐसे डाल लीजिए। ये सारा मिला के 1 टीस्पून है, और ये जो भिंडी है अब हम इसमें गैस को करेंगे धीमा, और ये भिंडी बिछा देंगे। ये हमने सारी भिंडी इसमें लगा दी तेल में, और अब इसको आप इसको बंद कर लें और पकने का वेट करें। इसको अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट्स ये पकेगी, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे हम,
टू टेबल स्पून और इसको हीट अप करेंगे। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा मसाला बना रहा हूँ जो हम अपनी भिंडी के नीचे बिछाएंगे जब हमारी भिंडी पक जाएगी भरवा वाली। सो ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये मसाला बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं तो फिर भरवा भिंडी तो बनी गई है। सो आइए बनाते हैं ये मिक्स मसाला। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे, तेल गर्म हो जाने के बाद थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी सौंफ। ये जब हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये है मैंगो, ड्राई मैंगो। ये स्पेशल मैंगो है जो मैंने बनाया था, इसको मैंने ड्राई कर लिया था काट के, तो इसीलिए ऐसा कलर हो रहा है इसका। ये जब थोड़ा सा हो जाए इसके बाद इसमें हम ऑनियन डालेंगे। ये जब छोटे हो जाए तो इसमें ये हमने दो पीस छोटे टमाटर थे वो डाले, साथ में ये ग्रीन चिल्ली है दो पीस ग्रीन चिल्ली जो ये स्लाइस करके इसमें डाल दिए। और थोड़े से इसमें हम मसाले डालेंगे जैसे सीजन के लिए टेस्ट अनुसार सॉल्ट, और थोड़ी सी रेड चिली कलर के लिए। साथ में आधा लेमन जूस लाइम इसमें अच्छे निकल देंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया, ये हम बेस में बिछाएंगे जब हम सर्व करेंगे। और अब हम भिंडी का इंतजार करते हैं, भिंडी होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो हमारी भिंडी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, अब हम सर्व करते हैं। ये मैंने मसाला बनाया था, अब हम प्लेट में डालते हैं। ये हमारी भरवा भिंडी रेडी, अब इसको आप घर पे बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और फिर हमें बताइए कि आपको ये भिंडी जो है वो कैसी लगी। अपने दोस्तों को खिलाइए और हमें बताइए कि आपको भिंडी में मज़ा आया या नहीं आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।